फैक्ट्री का इंजन बचा के में। देखिए दोस्तों, आपको ये देख के ज़्यादा हैरान होने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने जो स्वरम कैच कर लिया और स्वरम देख पा रहे हो आप मेरे हाथ पे। अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मेरे हाथ पे कैच आया। पहले मैं आप लोगों में बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने कई वीडियो बनाई है बी कीपिंग के बारे में, जिन्हें कुछ लोग तो लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इतना जो लाइक नहीं कर रहे, कुछ डिसलाइक कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये सब झूठ है आप नहीं कर सकते। देखिए मैंने अपने चेहरे पे, अपने हाथ पे, अपने कहीं भी शरीर पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाया कि जिससे मुझे मक्खियाँ काटे ना। ये ऐसा मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना वीक बायोलॉजी के बारे में पता कि मक्खियाँ कब काटती हैं, क्यों काटती हैं और कब नहीं काटती और क्यों नहीं काटती। देखिए मेरा सभी बी कीपर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो अच्छी बी कीपिंग करते हैं, और मैं बी कीपिंग कर रहा हूँ जो शुक्र वाली बी कीपिंग कर रहा हूँ, उस साइड आप देख भी पा रहे होंगे कि मैंने जो बॉक्स पे अपने सभी बॉक्स पे शुक्र लगाए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातें सभी ना यूरोप में या बाहर वाली कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर सब बाहर वाले सब कॉन्टिनेंट में नहीं होती। ये सब बातें जो हम अपने देश में भी कर सकते हैं, अपने यहाँ पर भी अच्छा इतना अच्छा इन्वायरमेंट है जिससे कि हम यहाँ पर बड़ी अच्छी बी कीपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो ये स्वरम है ये कैच कर लिया। अभी ये स्वरम मेरे बॉक्स में रहा, तभी मैं अपने बॉक्स के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि ये जो स्वरम है मैंने कैच कर लिया है। इसकी मैंने क्वीन की जो पकड़ के, ना जो एक क्वीन कैचर में कह सकते हो या फिर एक दो डब्बी होती है जिसे क्वीन पकड़ने की डब्बी कहती है, उसमें रख ली थी। और वो क्वीन जो मैंने अभी अपने हाथ पे ली हुई है, इसलिए सारी की सारी मक्खियाँ जो मेरे हाथ पे आ गई हैं। और ऐसा आप सभी बी कीपर कर सकते हो, आप भी बड़ी अच्छी बी कीपिंग कर सकते हो। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अच्छी बी कीपिंग करना चाहते हैं, शुक्र वाली बी कीपिंग करना चाहते हैं, या फिर अच्छा हनी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, मॉडर्न बी कीपिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। चाहे ये वीडियो आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, या किसी भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो, तो यूट्यूब पे जाकर आप मेरा चैनल है इंडियन बजायपेरी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप भी बी बायोलॉजी के बारे में जान सकते हैं कि अच्छी से अच्छी बी कीपिंग हम कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप भी अच्छी बी कीपिंग कर पाओगे और जो है अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। और हम जो लोग ना यही सोचते हैं कि बाहर वाली कंट्री में ऐसा हो सकता है, हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। देखिए ये मक्खियाँ ना जो पहले, अभी मुझे नाश्ते एक मक्खी ने काट दिया, ये मक्खियाँ तो पहले थी ना जो मेरे हाथ पे ही थी, तो अभी ये इतनी हैवी हो गई थी कि मैं इनको हाथ पे संभाल नहीं पाया, तो इसीलिए मैंने जो है ये लकड़ी का सहारा लिया। और ये पूरा पूरा स्वरम अभी ना मेरी बॉडी पे आने वाला, और उसके बाद मैं इसको अपने बॉक्स में झाड़ूंगा और इस स्वरम का आपको पूरी अपडेट भी दिखाऊंगा, इसने कैसे ग्रोथ किया, कैसे जो है फ्रेम रेंज की, कैसे ये जल्दी बड़ा बड़ा स्वरम है, जल्दी इसको सुपरी ग्रोथ है, एक बॉक्स में ये आ भी नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये सभी बातें ना जो वो बाद में दिखाऊँगा, और आप थोड़ी देर के लिए आप इसको इन्जॉय कर सकते हो। कैसे 5-10 मिनट और मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, कैसे जो सभी मक्खियाँ हैं वो मेरे हाथ जाना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो मैं इसको एक बॉक्स में झाड़ दूंगा और साइड में जो मेरी अतेरी रखी ना उसी की साइड में लगा दूंगा, ताकि इन मक्खियों से हम जो एक नया बॉक्स जो तैयार कर सकें। और ये ना 2-4 दिन में मैं आपको दिखाऊंगा, 4-5 दिन ही लगेंगे इनको, ये 10 फ्रेम जो नीचे वाले उनको ड्रा कर देंगे, अरेंज कर देंगे, और उसके बाद इनको सुपर की जरूरत पड़ेगी और ये आपको बड़ा अच्छा शायद देंगे। देखिए अभी जो आप ये कह रहे हैं कि सुपर वाली बॉक्सिंग में स्वरम जो ज़्यादा होते हैं, देखिए स्वरम इसलिए ज़्यादा नहीं होते कि आपने सुपर लगाया या बड़ा बॉक्स है या फिर 10 फ्रेम वाला बॉक्स है उससे स्वरम होते हैं। स्वरम के पीछे की जो बायोलॉजी है, जो मक्खियों की बायोलॉजी, वो हमें समझने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम जो बी बायोलॉजी समझे, कैसे हम स्वरम को रोक पाएँ। अभी मेरे बॉक्सिस पे ये सोच रहे हो कि आप बड़े ज़्यादा स्वरम हो रहे हैं, ये स्वरम हो रहे हैं क्योंकि मैं इनको ना और स्पेस नहीं दे पाया। अभी 3 बॉक्स तो आपने देख लिया, इस बॉक्स के ऊपर तीसरे 3-3 बॉक्स भी लगे हुए हैं, बट अभी इनको और भी ज़्यादा जो थोड़ी सी मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, थोड़ा सा और ज़्यादा इनको स्पेस चाहिए था, जो नेक्टर के लिए या फिर क्वीन को अपने अंडे देने के लिए, फॉलन के लिए, वर्कर के लिए, सभी को ना थोड़ा और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी जो मैं दे नहीं पाया, जिसके कारण जो मेरे स्वरम हो रहे। देखिए स्वरम मुझे बुरी चीज़ नहीं है, स्वरम को भी मैं अपने दोस्त की तरह ही मानता हूँ। जब तक आप एक छोटे बी कीपर हैं, 50, 100 या 200 बॉक्स आपके पास है, तो आप स्वरम आराम से कैच कर सकते हैं। अगर आप अपने फार्म पर रहते हैं तो फिर स्वरम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो नई कॉलोनी मिल रही है और ये बड़ी जल्दी ग्रोथ करती है, आप इसे अपने एक दोस्त की तरह ले सकते हो। ये इतनी जल्दी ग्रोथ करती है कि ये पूरे 1 महीने में आप देखोगे ये 20 फ्रेम पर पहुँच जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको जो शायद देगी, और बड़ी अच्छी कॉलोनी जो आपकी वो स्टैब्लिश हो जाएगी, बड़ी अच्छी कॉलोनी आपकी चलेगी। और मैं दिखाऊंगा इस स्वरम से मैंने कितना शहद बनाया, क्योंकि अभी ये मेरा फेवरेट स्वरम है। ऐसी वीडियो में पहले ही बनाने वाला था बट बना नहीं पाया, क्योंकि मैं जब भी आता स्वरम मुझे पेड़ पे लटका मिलता था, दोपहर के टाइम पर मैं अपने घर पर होता था, वहाँ पर मुझे अपने फ्रेम या बॉक्स बनाने होते थे, तो उस टाइम पर ना मैं ऐसी वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी मैंने आपको ये दिखा दिया है, तो आप सभी भी ना ऐसे बी बायोलॉजी को समझिए। हमारे देश में बहुत सारी जगह से हमें ट्रेनिंग तो मिल रही है, लेकिन हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि हम बी कीपिंग कैसे कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही जिससे कि हम मॉडर्न बी कीपिंग जिसे कहते हैं,
भले ही वो लोग आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको मॉडर्न बी कीपिंग सिखा रहे हैं, बट वो आज से ना 100-200 साल पुराने बी कीपिंग हमें सिखा रहे हैं। सिर्फ वो ये बातें बता रहे हैं कि इसमें क्वीन होती है, वर्कर होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, क्वीन इतने अंडे दे सकती है, ऐसे स्वार्म करते हैं, ऐसे फीड करानी है, ऐसे शहद निकालना। देखिए ये सब पुरानी चीज़ें हैं और सभी जो बी कीपर दोस्त हैं मेरे वो सभी ऐसी चीज़ों को ना भली भांति जानते होंगे कि ये सभी बातें तो हमें पता, लेकिन हमें जो मॉडर्न के बारे में बताया जा रहा है वो एक्चुअली नहीं है। और मैं ना आप लोगों को ना मॉडर्न बी कीपिंग के बारे में जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे हम मॉडर्न बी कीपिंग कर सकते हैं हमारे देश में भी और अच्छा जो मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा पोलिनेशन कर सकते हैं, जिसको किसान को भी बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। ये नहीं कि बी कीपर इससे फ़ायदा उठाएंगे, इससे सभी किसान हैं, जो बी कीपर को इससे सिर्फ शायद मिलता है लेकिन किसान की फसल में इससे तो इस बी कीपर के साथ साथ ना इससे किसान को भी जो फ़ायदा है, जो बहुत सारे किसान हमारे देश के वो सोच रहे कोई बी कीपर अगर हमारे खेत में जो बॉक्सेस रख रहा है तो उससे जो और मक्खियाँ हमारी फसल का रस चूस रही हैं और उससे हमारी फसल को नुकसान हो रहा है। देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इससे सभी को फ़ायदा है, चाहे कोई बी कीपर है चाहे कोई किसान है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली जो है जीव है। चाहे इसमें जो सरकार है वो भी थोड़ा फ़ायदा करे, लेकिन मैं सरकार को बताऊंगा कि बी कीपर के बारे में कुछ सोचे, कुछ थोड़ा रेट दिलाए और बी कीपर लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपना शायद वो सुपर से निकाले और उसकी क्वालिटी अच्छी बनाए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड ज़्यादा है और अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपका जो शायद है उसका रेट भी ज़्यादा आपको मिलेगा और ज़्यादा रेट मिलेगा तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी जो अपनी मॉडर्न बी कीपिंग करें और अपना अच्छा मुनाफा कमाएं। और सभी से मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे आप वीडियो की कहीं पे भी देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, व्हाट्सएप पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, आप जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप यूट्यूब पे आके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं बी कीपिंग के और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि सुपर कैसे लगाते हैं, अभी बहुत से हमारे देश के जो बी कीपर है ना वो बिना सुपर लगाइए, अगर आप सुपर पर काम करना चाहते हो तो बगैर सुपर लगाइए आपको ये सलाह दे देते हैं कि जो सुपर वाली बी कीपिंग है वो हमारे देश में नहीं चलेगी, माइग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, डिवीजन लगाने में प्रॉब्लम होगी, या फिर जो है माइग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी बातें हैं, शायद कैसे निकाल लेंगे। देखिए इस चीज़ का फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। इससे आप अच्छे माइग्रेशन कर पाओगे, अच्छी जो डिवीजन लगा पाओगे, सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक मैंने बड़ी माइग्रेशन करी नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं बड़ी माइग्रेशन करने वाला हूँ और मैं कुछ अपने जो बॉक्स को डेवलप करने वाला हूँ। देखिए अगर हमारे देश में समस्या है तो सुपर वाली बी कीपिंग को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर है जो कि हमारे बॉक्स हैं ये पुराने टाइप के हैं और हम लोग ना इस पर जो अच्छी बी कीपिंग नहीं कर सकते और किसी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं है, हमें माइग्रेशन में कोई दिक्कत होगी वो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो माइग्रेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो डिवीज़न लगा सकते हैं कैसे। और मैं ना अभी मुझे अगर टाइम मिला तो, अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे वो वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया, तो मैं नेक्स्ट में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी क्वीन रीयरिंग, हम अच्छी क्वीन कैसे तैयार कर सकते हैं वो भी साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि हम ज़्यादा अच्छी कॉलोनी को प्रोड्यूस कर सकें। और मैं आपको बता दूँ मेरी बीज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैं पिछले 3 साल से ही बी कीपिंग कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा मेरा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब से मैं सुपर वाली बी कीपिंग कर रहा हूँ मुझे मैनेजमेंट की जो नॉलेज है तो मैं बता दूँ मैंने आज तक अपने बीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, मेरी मक्खियों में आज तक कोई बीमारी नहीं आई है, तो क्योंकि मैं ऐसे बॉक्स से ही क्वीन तैयार करता हूँ जिसने बहुत सारा शहद बनाया, जो कभी बीमार नहीं हुआ और जो बड़ा हाइजेनिक है, बड़ा सफाई रखता है और जो काटता बड़ा कम है, जैसा आप देख पा रहे होगे। वैसे भी स्वार्म की बायोलॉजी होती है, स्वार्म काटता नहीं है, वैसे हमारे यहाँ पे भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोग टोपी पहन के करते हैं, मैं स्वार्म मोस्टली ना बगैर टोपी के ही पकड़ लेता हूँ। और अभी तो आप देख रहे हो पैक काटने वाली कोई वो नहीं है और कोई स्पेशल मैंने ये नहीं लगाया कि मैंने अपने शरीर पर कुछ लगा लिया होगा जिससे मुझे मक्खियाँ काटे नहीं। देखिए मैं इनको अपना फ्रेंड मानता हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये बिल्कुल नहीं काटेंगे आपको, आपको इनकी बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मक्खियाँ कब क्या करती हैं और क्यों करती हैं, तभी आप अच्छे बी कीपर बन पाओगे। ये नहीं कि आपने सिंगल ब्रूड में आप बी कीपिंग करें, और नहीं, मेरा ये मानना है जितने भी जो हमारे एक्सपीरियंस बी कीपर है 10-20-30 साल से, इतनी तो मेरी एज भी इतनी साल से बी कीपिंग करें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज ही आप सारा कुछ बंद करके सुपर लगा लीजिए। देखिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दो बॉक्स पे ना जो सुपर लगा के देखिए, आप ट्राई कीजिए, आगे एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आपको जिस प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ता ना वो प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए कि भाई साहब ऐसे हुआ है, ऐसे हमारा जो बॉक्स ने डेवलप नहीं किया या सुपर चला नहीं या फिर कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे आप ना मेरे साथ शेयर कीजिए, इससे कोई वो नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। अभी मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं और मैंने लंबी माइग्रेशन भी की, लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसे बॉक्स बनाने वाला हूँ जिससे कि मैं बहुत लंबी माइग्रेशन कर सकता हूँ और जो मुझे सुपर वाली वीकी में चलाने में बड़ा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मेरा आप सभी से ना यही जो रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें और आप भी सीखें कि सुपर वाली बीकीपिंग कैसे होती है, सभी कर सकते हैं हमारे देश में। और मैंने ये वीडियो ना आज इसीलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे सकूँ, वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन वो सभी तक नहीं पहुँचती,
क्योंकि पता नहीं क्यों वो मीडिया पे इतनी, लेकिन इस वीडियो के बारे में मुझे पता है ये बड़ी वायरल होने वाली है, क्योंकि सभी के पास हो जाएगी, पहुंच जाएगी, ये बड़ी यूनिक सी वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जो इस शुभारम्भ को अपने बॉक्स में डाल दूँगा और उसके बाद फिर जो और बातें करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, जब तक आप इंजॉय कीजिए, तब तक मैं अपने भाई जो मेरा मतलब अभी फ़ोन लिए हुए या कैमरा लिए हुए मैं उसको बोलता हूँ जो बॉक्स लेके आए, तब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोग भी है जो ऐसे इंजॉय कीजिए बी कीपिंग को। आप बी कीपिंग को बहुत मत मानिए, और प्रकाश भी मेरी दरख्वास्त है कि वो मतलब आप लोगों की हेल्प करिए। तो बड़ा इको फ्रेंडली सिस्टम है इसमें, देखिए हम किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करते, ना हमने यहाँ पर धुआँ दिया है, ना हमने जो हमें तेल की ज़रूरत पड़ी है, ना हमें बिजली की ज़रूरत पड़ी, जो भी चीज़ें नहीं, सिर्फ फ़ायदे के लिए, इसका 1% भी नुकसान नहीं है। अगर बीज आपको काट रही तो उसका भी आपको कोई नुकसान नहीं, उसका भी अगर साइंटिफिक तरीके से आप देखोगे तो उसका भी आपको फ़ायदा ही है। ये बड़ा इको फ्रेंडली है। और देखिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने कहा है कि अगर हमारी जो सरफेस से धरती से जो अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो 4 साल के अंदर जो है इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनका कहने का मतलब ये है, अगर हम पोलिनेटर को जो बताएंगे नहीं, पोलिनेटर को जो बचा के नहीं रखने, चाहे वो एपिस मेलिफेरा, चाहे सेरेना, चाहे हमारे नेटिव बीज हैं, चाहे डोरसेटा, किसी भी प्रकार के बीज हैं, या फिर हम देखते हैं जैसे कुछ कीट पतंग हैं, जैसे कि बटरफ्लाई होती है, जैसे हम जिसको कहते हैं तितली, तो सभी को हमें बचा के रखना है, तभी हम अच्छी जो फसल पैदा कर सकेंगे। और मेरा जो भी किसान है उनसे भी थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि आप ना बहुत कम यूज़ करें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे अपनी फसलों पे वो कम करें। और प्रकाश से मेरी दरख्वास्त है कि बी कीपर के बारे में जो ना कुछ ना कुछ सुना जाए, उनके बारे में कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, उनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार।